नमस्कार सलाम न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है मेरा नाम है नीलांजन मुखोपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट इन द फ्यूचर अब तक तो हम ये प्रोग्राम अंग्रेजी में करते आए हैं लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इस चर्चा को कभी कभी हिंदी या हिंदुस्तानी में भी किया जाए तो आज बात करेंगे नए भारत में सांप्रदायिकता के स्वरूप की इसमें कोई शंका नहीं है कि इस चुनाव के नतीजे ने सेक्युलर ताकतों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है बीजेपी की इस अस्वाभाविक जीत के कारण बहुत हद तक भारत में बढ़ता हुआ रिलीजियस डिवाइड या धार्मिक विभाजन है इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सपोर्ट में इस बार हिंदू देखने को मिला है है जाहिर बात है कि ये नतीजे और हिंदुस्तानी राजनीति की दिशा मुसलमानों और अन्य रिलीजियस माइनॉरिटीज को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करने के लिए मजबूर करता है इस मुश्किल दौर में मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे दो पुराने मित्र हैं ज़फ़र आगा साहब वरिष्ठ पत्रकार जो आजकल नेशनल हेरल्ड के एडिटर हैं और कुरबान अली जी जो प्रिंट टेलीविजन रेडियो के जाने माने नाम हैं आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि मैं प्रोग्राम में कुछ अपने चर्चा शुरू करने के पहले मैं अपनी थीसिस रखता हूं तो मेरी पहली थीसिस है पिछले पाँच सालों से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एक भय के वातावरण में जी रहे हैं ये डर एक पोलिटिकल मैकेनिज़्म की वजह से है जो आर्ग्यू करता है कि हिंदुस्तान मुसलमान दो अलग अलग बाइनरीज़ हैं और इनमें कोई सामन्वय नहीं हो सकता है फर राघा साहब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप काफ़ी वक्त से काफ़ी समय से आप शांत थे आपसे कई बार मैंने कोशिश की इस कार्यक्रम में आने के लिए लेकिन आपने कहा कि चुनाव तक हम नहीं आना चाहते हैं उसके बाद आपने एक आर्टिकल लिखा है अपने नेशनल हेरल्ड वेबसाइट में जिसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि एंड ऑफ द रोड मुसलमानों के लिए हालांकि ये बात अलग है कि आर्टिकल के अंत तक आप ऑप्टिमिज्म भी दिखाते हैं लेकिन आपका यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं याद करता हूँ कि बानवे में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद आपने एक इंडिया टुडे में उस समय आर्टिकल लिखा था जिसको मैं हमेशा रेफर करता रहता हूँ कि जब पहली बार बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद जो उसका धूल देखा उसके बाद आपको महसूस हुआ कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए क्या सिम्बलाइज करती थी तो एक पच्चीस साल का पूरा दौर तब से लेके अब तक निकल आया है सबसे पहली बात तो ये कि आज अचानक इतने समय के बाद आपको क्या लगा कि आपको अब चुप नहीं रहना चाहिए देखिए पहली चीज़ तो ये कि टेलीविज़न ये मीडियम जो इस तरह की बातचीत का हुआ करता था आप नीलांजन साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम लोग तो कब से एक दो मित्र भी हैं वो इस कदर बेहुदा हो चुका था कि किसी शरीफ आदमी के लिए और महजब आदमी के लिए माना जाता है कि चार लोग बैठे तो लड़ाई करेंगे लड़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे नहीं ये मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बेहुदा बात है कि बिला वजह में टेलीविजन को क़ुरबान ने टेलीविज़न भी किया है और रेडियो भी किया है ऐसी बेहूदियाँ तो नहीं हुआ करती थी हमने भी कुछ थोड़ा बहुत टेलीविजन भी किया है कभी कदार रेडियो भी कर लिया है तो डिबेट के माने क्या होते हैं लड़ाई ये तो नहीं बहर दैट्स अ डिफरेंट इशू तो मैंने इस चक्कर में बिल्कुल छोड़ दिया था और आज बहुत दिनों बाद जब आपने बहुत इसरार किया तो मैं आ गया और लेकिन जो आपने बात कही कि 25 साल में दोनों आर्टिकल का जो रेफरेंस दिया दोनों आर्टिकल मेरे बहुत पढ़े पढ़े गए और बहुत लोगों को पसंद आए और मैं आभारी हूँ कि वो लैंडमार्क रहा पहला आर्टिकल जो लिखा था उसमें मैंने ये लिखा था कि मुझे पहली बार लगा कि मैं मुसलमान हूँ राइट right. और दूसरा आर्टिकल जैसा आपने लिखा कि मुझे लगता है कि एंड ऑफ द रोड है यानी अदवानी के पे फेज़ से मोदी के फेस में मुझे लगता है कि ये माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए इस मुल्क में जगह बहुत तंग हो गई जैसा मैंने उस आर्टिकल में लिखा था कि मुझे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दोस्का तो फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई मैं जो कह रहा था कि हम जो कहते हैं कि हिंदुओं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुसलमानों को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने गलती कर दी थी तो उसी के बारे में वो आपको टॉन्ट कर रहे थे उन्होंने ये कहा है आप हिंदुस्तान में कि भाई आप पॉलिटिकल असाइलम के लिए आप यहाँ आ जाइए हम आपको जगह दिला देंगे और हम तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सैतालीस से, से थे और अब आप हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गए 2019 का चुनाव जो है साबित करता है कि जिन्ना की टू नेशन टू नेशन थे आई मीन मुझे लगा वाकई ये लगा कि जैसे मेरे पीठ में किसी ने छुरा भोंक दिया क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए लड़ते आए थे जो चीज़ कहते चले आ रहे थे कि ये हिंद हिंदुस्तान हिंदु, 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 हिंदू पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता वो कोई पाकिस्तान से बैठ के कहे इसने बिल्कुल जैसे तोड़ दिया हो और मैंने उस आर्टिकल में भी लिखा कि मुझे आंसू आ गए लेकिन ये फीलिंग ये एहसास तमाम माइनॉरिटीज़ में था कि भाई अब क्या होगा कहाँ जाएंगे क्या कह कुछ बचा है या नहीं तो इतना स्पेस जन भारतीय जनता पार्टी और आर एस एस ने इस माइनॉरिटीज के लिए कम कर दिया इस देश में कि उसको ये लगने लगा कि इज इट द एंड ऑफ द रोड अब कुछ बचा है आगे कुछ या नहीं बचा है या बस अब एक हिंदू राष्ट्र है मैं कुरबान भाई आपको पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग जो बात करते रहते हैं कि फियर डर की बात करते रहते हैं ये तो साहब उनकी मोनोपोली है जिनके मतलब पेट में सब कुछ भरा हुआ है जिसका पेट खाली है उसके लिए वक्त नहीं है फियर और डर के माहौल के बारे में सोचना कि ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए सरकार के साथ एंगेज होते हैं उनको गैस सिलेंडर चाहिए वो ये सरकार दे रही है उनको बिजली का कनेक्शन चाहिए उनको घर में पहुंचा दिया गया है टॉयलेट बनवा रही है सरकार मकान बनाने के लिए लोन दे रही है वगैरह 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 एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जिससे लोग इंगेज होकर रहिए उसके आगे आपको सोचने की ज़रूरत ही क्या है आपको लगता है कि इस आर्गूमेंट में कोई दम है नहीं देखिए बुनियादी चीज़ ये है अभी आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया अब मैं तो उसका आई विटनेस था और ब्रेक की थी स्टोरी बीबीसी पर मैं वहाँ से जब आया तो पूरे वेस्टर्न यूपी में कर्फ्यू लगा हुआ था और मेरी बीवी अलीगढ़ में थी और मैं परेशान था कि उसको लेके आऊँ और मैंने किसी तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम किया और मैं फिर लेके आया लेकिन जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं बिलावजी दहशत में था यहाँ तो आम मुसलमान सड़क पे जा रहा है साइकिल पे जा रहा है तांगे में जा रहा है काम कर रहा है उससे तो कोई दहशत खौफ है नहीं बाबरी मस्जिद गिरी तो गिर गई लेकिन और उसी दिन बी, बी उर्दू सर्विस के एक प्रोड्यूसर ने तीन बार मुझसे कहा कि क्या हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म ख़त्म हो गया मैंने कहा नहीं ये एक बदनुमा दाग है और इस तरह का ये बड़ा मुल्क है इस तरह की कई बार इसने झेले हैं झटके इससे उबर जाएगा और जब हम दिल्ली में बोट क्लब पे खड़े हुए तो हमें देखा कि कुलदीप नैयर भी हैं वहाँ और खुशवंत सिंह भी हैं और रोहनन सिंह सिंह भी हैं और इतनी बड़ी तादाद तो मुझे लगा कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन दो में मोदी जी के शपथ लेते ही पुणे में मोहसिन नाम का एक लड़का इसलिए मार जा मारा दिया जाता है कि वो देखने में मुसलमान जैसा लग रहा था और उसके बाद चाहे वो अखलाक का मामला हो चाहे वो पहलू खान का हो चाहे वो जुनेद का हो बीजेपी बड़े फ़खर के साथ कहती है पाँच साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ लेकिन जो फियर साइकोसिस जो एक बड़ा दंगा ना होके सीरीज ऑफ कर दिया है हर रहा कि हर मुसलमान इस भाई अगर इस मुल्क में अब रहना है तो जो मोदी कह रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं या जो आर के लोग कह रहे हैं और जो बदतमीज़ी कर रहे हैं उसे अभी सह ये फ़र्क आ गया ये जो क़ुरबान साहब ने बात कही बहुत बहुत इम्पॉर्टें मैंने ये मेरा ये कहना था कि तो इसमें कोई शक नहीं कि कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ मोदी के पाँच साल के राज में लेकिन मैंने एक बार ये लिखा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लो कॉस्ट स्ट्रैटी बीजेपी ने बनाई कि एक खून करो और ये लगे कि हज़ारों मारे जा सकते हैं इसी तरह से जैसे ये मारा गया तो जो दहशत पैदा की गई मॉब लिंचिंग के जर, के जरिए और फिर यानी रिजल्ट आने के दो दिन तीन दिन बाद ही उसी कस्म का एक इंसिडेंट मध्य प्रदेश में हुआ या तीन चार लड़कों को एक लड़के एक किसी बच्चे के साथ और इसमें एक लाइन और मैं जोड़ना चाहूँगा कदा कला माफ़ के अब जब बच्चा घर से निकलता है तो उसकी माँ ये कहती है ये ताक़द करती है कि देखो कोई बस में या ट्रेन में कोई सियासी गुफ्तु मत करना और नाम, पूछे तो नाम, मत, करना। नाम मत बताना और किसी से बात मत करना काम से काम रखना और कहीं ऐसे झंझट में ना पड़ना जिससे तुम्हारी जान को खतरा लाहा हो जाए तो ये दहशत बिठा देना मैं तो मैं थोड़ा मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा आप लोगों को जो एक मेरे एक और मित्र आप लोगों की तरह वो भी मुसलमान है बोलते हैं कि मेरे को सबसे ज्यादा वो हमारी तरह दिखते हैं जीन्स पहनते हैं टी शर्ट पहनते हैं अंग्रेजी बोलते हैं वगैरह वगैरह आम हिंदुस्तानी की तरह लगते हैं डज नॉट लुक लाइक अ मुस्लिम बोलते हैं ना कि बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम तो खैर वो नहीं लगते हैं कहते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब वो ट्रेन या बस में जा रहे होते हैं उनका मोबाइल फ़ोन बच जाता है और वो वहाँ से यहाँ से बोलते हैं हेलो तो वहाँ से बोलता है कोई सलाम आलैक्म साहब तो उनको तब एक दुविधा होती है कि मैं क्या सलाम मैं तो वालकम्सम कहूँ या ना कहूँ इससे मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो ये एक अपनी आइडेंटिटी ना रिवील करने की एक प्रेशर आपने भी बताई वो मेरे दूसरे मित्र ने बताया आ, वक्त आ गया मैं अपना दूसरा थीसिस या प्रोपोजिशन आप जी, सब जी. लोगों के सामने पेश करता हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं कि भारत में सांप्रदायिकता बीजेपी शासन के पहले नहीं था मगर अब ये विचारधारा को स्टेट पेटर्नेज मिलता है यही कारण है कि एंटी मुस्लिम प्रोपागंडा इतने जोर शोर से फैल रहा है और एक हिंदू विक्टिमहुड की फीलिंग को पनपाता है तो जफर साहब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के समय से पहले चुनाव के समय से भी देखने को आ अगर हम बावन के चुनाव को देखें तो तब से लेके कांग्रेस या अलग पार्टीज एक ट्रेडिशन बन गया था कि सब मुसलमान नेता है तो वो वहीं से लड़ेगा जहां मुसलमान कम से कम 20-25 परसेंट के ऊपर हो मौलाना आज़ाद भी जाके उनके लिए एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढ दी गई थी कि जहां से जाके एक फेयर अमाउंट ऑफ मुसलमान लोग हों सेकुलरिज्म के नाम पर प्रैक्टिस क्या होता था कि हम लोग देखते आए हैं हम लोग एटीज़ के दौर से जब से हम लोग पत्रकारिता में आए जो पोलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो एक एंट्रेंसड एलीट के साथ एंगेज करती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ एंगेज करती रही है चाहे वो शाहबानों का केस हो या उसके बाद कई सारे के ऐसे केसेस हो तो इससे क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बोलना कि साहब इनकी जो सेकुलरिज्म थी वो बेसिकली अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी लेकिन हालांकि बात यह कि अपीजमेंट अगर हम बात करें तो आम जनता तक तो कुछ पहुँचा नहीं जो बेसिक जो बैक बैकवर्डनेस है वो तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह से हुई हिस्टोरिकली स्पीकिंग यानी तारीखी पस मंजर में अगर आप देखें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में तो इस मुल्क में कम्युनलिज्म के तीन बड़े लैंडमार्क्स हैं नाइनटीन सेवन जब पार्टीशन हो रहा है दूसरा बाबरी मस्जिद डिमोलिशन राम अयोध्या मंदिर और तीसरा राइज ऑफ मोदी मोदी का उदय और उसके बाद बहुत खुल के दो हजार चौदह दो हजार उन्नीस दो हजार दो से शुरू होता है और जी जी ये पच्चीस साल long ये long तीन फेजेस हैं इन तीन फेजेस में जो पहला फेज़ है जो जिसमें जो कांग्रेस प्रिडामेंटली कांग्रेस का फेज़ अगर कह लीजिए तो उसमें एक चीज़ पार्टीशन ने तय कर दी थी जिसको कोई कहता नहीं था जिसको जिसपे खुल के चर्चा नहीं होती थी कि भाई कुछ गड़बड़ है मुसलमान के साथ और इसको इक्वालिटी के लेवल पे इन्होंने अपना हिस्सा लिया ये वहाँ चले गए अब इनको बराबर का हिस्सा मिलना ये इट वाज एन अनसेड स्टेटमेंट उसमें कोटा सिस्टम में दो एक वाइस प्रेसिडेंट हो गया कभी एक प्रेसिडेंट हो गया दो दो मंत्री हो गए ये चलता रहा और नीचे जैसा आपने कहा सचर कमेटी ने ये आंखें खोली कि ये तो दलितों से भी बदतर हो चुके हैं तो ओ, लेकिन मुसलमान ने कभी होप नहीं छोड़ी इस सब चीज़ों के बावजूद At the time, being, class citizen, उसकी उम्मीद कभी नहीं खत्म हुई उन्नीस में चौदह में भी नहीं उन्नीस में जब ये लगा उसको कि मोदी के दूसरे आने तीन सौ सीटों के आने के बाद कि अब तो ये दो, 2019, दो हजार उन्नीस से अभी जो चुनाव के नतीजे आए रिजल्ट आए उसके बाद उसको लगा कि नहीं अब तो ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ उसकी आशा टूट गई और अब उसको ये लगने लगा है कि इसी सेकंड क्लास सिटीजन स्टेटस में ही जीना पड़ेगा शायद। जी मैं इसमें बहुत अदब के साथ जफर भाई से थोड़ा सा डिसएग्री होते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये जो सांप्रदायिकता है इसकी शुरुआत उन्नीस से नहीं होती इसकी शुरुआत मैं मानता हूँ 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आई तो उन्होंने बहुत खुलम खुल्ला हिंदू कार्ड खेला और चुनाव 1982 उन्नीस सौ बयासी का जो चुनाव हुआ है तिरासी में उस चुनाव पे मैंने लिखा कि इंदिरा गांधी ने कमनल कार्ड खेला है और वो कमनल हो गई हैं और मेरे ऊपर मुकदमा चला पच्चीस साल उसको लेकर के और पच्चीस साल और उन्नीस में मुझे माफ़ करें आप कि ग्रेट सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही ब्लेटेंट हिंदू कार्ड खेला और आरएसएस ने उस वक्त उनकी मदद की और वाजपेयी जी इलेक्शन हारे और राजीव गांधी 410 सीटें जीत करके आए और उसके बाद जब अरुण नेहरू थे। थे। और उस वक्त में तो नारा क्या लगता था बेटी है सरदार की देश के गद्दार की अमेठी में और बलिया में हम चंद्रशेखर जी का चुनाव तो देखने गए तो वहां नारा था कि बलिया का भिंडरा वाला चंद्रशेखर और अरुण नेहरू ने मुझसे कहा कि इस इलेक्शन में हमने आरएसएस का इस्तेमाल किया मैंने कहा नेहरू जी आर ने आपका इस्तेमाल नहीं किया आपको आर ने इस्तेमाल कर लिया है और वो जो दौर शुरू होता है कि शाहबानों फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद का ताला खोला जाना मलियाना और हाशिमपुरा जैसे जो कांड हुए जो आज़ाद हिंदुस्तान में कस्टोडियल किलिंग्स के उससे बड़े कांड आपको नहीं मिलेंगे और उससे उस पहले नेली का मसैगकर हो चुका है भागलपुर में कहा जाता है कि 2000 तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है दस हज़ार मुसलमान मारा गया दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी और उसके बाद डिस्प्यूटेड साइड पे शिलान्यास होता है बूटा सिंह और नारायण दत्त तिवारी के ज़रिए और राजीव गांधी अपना चुनाव अभियान फैज़ाबाद से शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम रामराज लाएंगे और अभी गुजरात के इलेक्शन में हमने देखा कि राहुल गांधी कुर्ते के ऊपर जने वो पहन रहे थे उनका गोत्र बताया जा रहा था और हम उनसे ये तो उम्मीद नहीं करते कि वो किसी मस्जिद में जाएं, लेकिन वो किसी दरगाह पे तो जा सकते थे गुजरात के कैंपेन में वो किसी दरगाह पे भी नहीं गए इसलिए कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का दरगाह जो है वो सेकुलर जगह सेकुलर फॉलोइंग की सेक्युलर माना जाता है जी बचपन तो मेरा ये कहना है कि 1980 में बीच पड़ गए थे और ये जो अयोध्या की पॉलिटिक्स हुई है इसमें कांग्रेस पार्टी का भी दामन साफ नहीं है देखिए इससे बिल्कुल नहीं इनकार किया जा सकता खाली कांग्रेस नहीं हर पॉलिटिकल पार्टी ने लेफ्ट शायद किसी हद तक नहीं लेकिन मुझे लगता है कभी उन्होंने किया हो तो आई एम नॉट टू शेयर अबाउट इट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आप हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है इस डेमोक्रेसी में आ, आ, जो आज़ादी वाली आइडियलिज्म थी वो हमेशा लास्ट करने वाली नहीं है इसमें डोमिनेंट इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर पार्टी पार के लिए इलेक्शन करती हैं डोमिनेंट मेजॉरिटी हिंदू है तो सब ने कॉम्प्रोमाइज़ किए लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद मैंने जैसे नहीं ब्लेटेंटली जाने दीजिए इस चीज़ बाबरी मस्जिद हुई लेकिन हमें ये नहीं लगा कि अब सब कुछ ख़त्म है ये 2019 में अब ये पहली बार ये एहसास हो रहा है कि हम क्या क्या हमारे बाप ने वहाँ जाके पाकिस्तान जाके आप आर्टिकल में कंक्लूड करते हैं कि इसके बावजूद आप में उम्मीद बची हुई है बहुत अच्छी बात है मैं अपना तीसरा थीसिस या थी। प्रोपोजिशन रखता हूँ आप सबके सामने यहाँ से निकलने के लिए बीजेपी के ओपोनेंट्स को आइडियोलॉजी मजबूत करनी होगी साथ ही एक ऐसे जेन्युन सेकुलरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा जो माइनॉरिटीज में एक्सट्रीमिज्म के फोर्सेस को आइसोलेट करेगा टोकनिज्म की राजनीति से बचना होगा और बुनियादी मुद्दों के मिलाते हुए अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ को साथ जनता को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा तवर भाई अगर हम लोग इस चुनाव के नतीजे को देखें अगर उसको सी का जो पोस्ट पोल सर्वे है उसमें ये साबित होता है कि अनप्रेसिडेंटेड हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है बीजेपी के फेवर में ऑल इंडिया लेवल पे 36 परसेंट हिंदू सपोर्ट से बढ़ के ये चवालीस परसेंट हुआ है कुछ स्टेट्स में जैसे पश्चिम बंगाल की बात करूँ मैं वहाँ दो में हिंदुओं में इक्कीस हिंदुओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया था वो बढ़ के हो गया है इस बार सत्तावन परसेंट उसी के विपरीत मुसलमानों का जो सपोर्ट है वो 2014 में तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट के बीच में तीन हिस्से में बटा था इस बार तीन हिस्से में नहीं बट रहा है सेवेंटी परसेंट कॉन्सोलीडेशन तृणमूल कांग्रेस के उसमें आ गया दो में हमको ये भी देखने को मिला था एक तरह से रिडंडेंसी ऑफ मुस्लिम वोट जो हम लोग बोलते हैं कि एक तरह से मुसलमानों को इलेक्टोरली इलेवेंट बना दिया गया है कि किसी भी पार्टी को अब मेजोरिटी पाने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है वो ना एक मुसलमान खड़ा करता है ना यहाँ से खड़ा करता है वो सिर्फ टोकनिज़म के चलते करता है और बग़ैर कोई मुसलमान एम पी के वो बाकायदा पाँच साल राज करके दोबारा उससे ज़्यादा सीट लेके आ है तो इससे काफ़ी सोशल फैब्रिक में टेंशन बढ़ती है आप नीलांजन जी, जी आपको एक बात मैं बताऊँ दो फैक्ट्स आपको आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट हम जो एनालिसिस करते हैं इतना परसेंट हिंदू कंसोलिडेशन इतना परसेंट मुस्लिम कॉन्डेशन उसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी 2019 में बीजेपी का टोटल वोट परसेंटेज 38 परसेंट है ये ये आप ठीक है है वो की कि मगर, हम लोग मगर, proportional मगर नहीं। में नहीं मगर 16 राज्यों में पचास फीसदी से ज्यादा भी है जी हाँ। जी लेकिन लेकिन टोटल वो आप 38% से आगे नहीं बढ़ रहे हैं बीजेपी ये हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा दूसरी चीज में एक बात और का होता है हमेशा कि दो पहलू जी जी तो ये इट्स वेरी वाइटल लैंडमार्क वेरी वेरी इट्स पॉजिटिव थिंग विच में जो आपने Nicholas. मेरे Nicholas. आर्टिकल में जिक्र किया जिस आर्टिकल के मैं का मैं कंक्लूड करता हूँ आज भी आज भी हिंदुस्तान का मेजोरिटी हिंदू हिंदू राष्ट्र में आशा नहीं नहीं, नहीं चाहता दूसरी बात इस बार मेरे ख्याल से कितने मुस्लिम एम इलेक्ट हो गए अच्छा, अच्छा। अच्छा। अच्छा बीजेपी एक, से एक भी बीज़े नहीं बाकी तमाम और पोलिटिकल नॉन बीजेपी नॉन एनडीए पार्टी से एक एंडिया का एक पार्टी है एक डी ए का पासवान के बीजेपी से बहुत तो ये बड़े दोनों इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हैं कि ये कह मान लेना कि सदा के लिए इस मुल्क में मुस्लिम वोट बैंक ख़त्म हो गया ये गलत बात है इट्स आई डोंट एग्री विद दिस थेरी ना ही इस मुल्क की मेजॉरिटी इस देश को हिंदू मेजॉरिटी की मेजॉरिटी इस देश को हिंदू राष्ट्र मानने को तैयार है बहुत अच्छी बात है कार्यक्रम खत्म करने के पहले क्योंकि हम लोगों का वक्त ख़त्म करने का आ जा रहा है पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका विकास सबका साथ करते करते अब वक्त आ गया है कि सबका विश्वास विश्वास पाना क्या आपको ये शब्द जेनुइन लगते हैं और विश्वास पाने के लिए उनको क्या करना चाहिए फॉर अ मोमेंट हम मान लेते हैं कि जी सीरियस है एक क्या शेर में अपनी बात कहूंगा कि तुझे हम वली समझते जो ना बाद अखबार होता इसमें पूरी बात आ जाती है आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है 2002 में से आप हैं उसके पहले तो आप आरएसएस में थे तो हम नहीं कहते तब आप क्या कर रहे थे लेकिन 2002 से और 2019 तक का आपका सफ़र ये बताता कि आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता और एक और बात मुझे अगर आप एक मिनट की इजाज़त दें सिर्फ कि नीलाजन साहब इस मुल्क को बनने में एक हज़ार साल लगे हैं ये एक दिन में नहीं बन गया है तो इसलिए ये एक दिन में टूटेगा भी नहीं और दूसरी चीज़ ये है कि इस मुल्क की जो बुनियादी शर्त है एक रखने की वो नेशनल मूवमेंट और उसकी वैल्यूज़ हैं जिसमें कहा गया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क होगा और गांधी नेहरू पटेल राजेंद्र प्रसाद कोई कम हिंदू नहीं थे इन लोगों से जो आज शासन में हैं लेकिन वो ये जानते थे कि अगर हमने इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया तो ये टूट जाएगा और दूसरी मिसाल पाकिस्तान हमारे सामने है जो मजहबी नफरत की बुनियाद पर बना और जिसे टूटने में 25 साल नहीं लग तो इसलिए ये याद रखना चाहिए कि आप हिंदू राष्ट्र बना तो लोगे और बना लिया आपने डिफेक्टो और डी ज्यूरे पर हम बात कर सकते हैं लेकिन फिर इस मुल्क को एक नहीं रख पाओ ठीक है मतलब बात यह है कि हिंदू होने से कोई परहेज़ नहीं है हम सब हो सकते हैं लेकिन पॉलिटिकल हिंदुइज्म से हमको परेशानी है जो इस खतरा है ख़तरा है।, है धन्यवाद आप लोगों से दोनों से बात करने के लिए काफ़ी हम लोग और इस बारे में बात कर सकते थे वक्त ख़त्म हो गया है हम में से किसी के पास रेडीमेड मेड नहीं है हम बस इतना जानते हैं कि भारत का एक और पार्टीशन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सवाल ये है कि हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका सर उठा के जिएगा या फिर डर से सर झुका के जिएगा ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत शुक्रिया अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे